लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली का दंगल हो चुका है। 12 मई को सूबे की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे अब बाकी राज्यों के साथ 23 मई को सबके सामने होंगे। मगर उससे पहले ही अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया बयान सामने आया है, जिसे लेकर नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। दिल्ली के दिल में क्या है, राजधानी के लोगों ने किसे चुना है, इसका जवाब 23 मई को सबके सामने होगा। मगर उससे पहले ही सूबे के सीएम अरविंद केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है। तभी तो केजरीवाल अब हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हैं। नतीजों से पहले उन्होंने बयान दिया है कि आखिरी समय में मुस्लिम वोट कांग्रेस को शिफ्ट कर गया, जिससे अब शायद वैसे नतीजे हमें ना मिले जिसका अनुमान था। दरअसल केजरीवाल एक अखबार से बात कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे दिल्ली की 7 सीटों के नतीजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव के 48 घंटे पहले तक ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के 7 सीटों पर जीत मिलेगी, मगर मतदान से एक रात पहले पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। हम पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शीला दीक्षित ने हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, वो जिसे चाहे उसे वोट देते हैं। दिल्ली के लोग केजरीवाल के शासन मॉडल को ना तो समझते हैं और ना ही पसंद करते हैं। अब ऐसे में वो कुछ भी कहें समझ से परे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की कुल आबादी में 12.68% मुस्लिम आबादी है। केजरीवाल को उम्मीद थी कि ये वोट एकमुश्त आपको मिलेगा, लेकिन अब उन्हें मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। अब केजरीवाल का ये डर कितना सही साबित होता है, ये 23 मई को सबके सामने होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।